तस्करों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने 5 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 गौ तस्कर फरार हो जाने में सफल रहे। अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पुलिस लाइन के मनोरंजन सभागार में पुलिस अधीक्षक अजय शंकर राय ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है, थाना बरनाहल के प्रभारी मंगलवार की रात अपराधियों की तलाश में निकले थे। आधी रात के समय बरनाहल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम नौशेरा मई के पास स्थित डेरा बंजारा के निकट गौवंश तस्कर गाय और बछड़ा को ट्रक में लादकर तस्करी के लिए ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने घेराबंदी करके बदमाशों को ललकारा। पुलिस ने जैसे ही बदमाशों को ललकारा, गौवंश तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस ने घेराबंदी करके गौवंश तस्कर बाबू निवासी करमुद्दीन नगर मलयाली हाउस थाना सरधना जिला मेरठ तथा लालजीत पुत्र हेतराम निवासी शाहजहांपुर थाना घिरोर, रिजवान पुत्र निजाम निवासी खैरगढ़ जिला फिरोजाबाद, अमन पुत्र बबलू निवासी खैरगढ़ जिला फिरोजाबाद, पन्नालाल पुत्र सुनहरी ग्राम नौशेरा थाना शुकाबाद जनपद फिरोजाबाद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि रवि उर्फ चांद का एवं 4-5 अज्ञात गौवंश तस्कर भाग जाने में सफल रहे। एसपी ने बताया, पुलिस ने गौवंश तस्करों के कब्जे से एक ट्रक, शिफ्ट डिजायर कार, तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। एसपी ने बताया, पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ के दौरान ट्रक में लादे गए गौवंश अंधेरे में ही जंगल में भाग गए। पुलिस ने गिरफ्तार किए बदमाशों को जेल भेज दिया है। के अंतर्गत सूचना मिली, कुछ लोग जो जंगल में जानवर घूम रहे हैं उनको ट्रक पे लाद के उसकी तस्करी करते हैं। पुलिस ने सूचना पे वहाँ पे दबिश दी। दबिश में रोड एक ट्रक और एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी प्लस 5 व्यक्ति मौके से गिरफ्तार किए गए। इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर भी किया था। इनके पास असलाह बरामद हुआ है। इन्होंने जो ट्रक पे जानवर लाद रखे थे, चूँकि भागम भाग में जानवर भी ट्रक से उतर के भाग गए। ये पुलिस का बहुत अच्छा कार्य रहा। सबसे आश्चर्य की बात है कि मेरठ तक के अभियुक्त इसमें शामिल हैं। इसमें एक सरगना लोकल है, वो भी हमने इसमें वांछित कर रखा है और उसकी जल्दी गिरफ्तारी करके और कार्रवाई को पूर्ण कर लेंगे।